दोस्तों यामा R15 वर्जन 3 एक ऐसा ही नाम है, एक ऐसा ही बाइक जिसका शायद आपको कोई भी इंट्रोडक्शन ना देना पड़े। दोस्तों इसका मैं अलग से रिव्यू बना चुका हूँ जो मोटो जीपी एडिशन है एंड जो इसका एक और कलर आता है, तो दोनों का ही मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पोर्शन में दे दूंगा। और आज मैं लगभग 6 प्रोज यानी कि 6 गुड साइड्स एंड 3 बैड साइड्स के बारे में बात करूंगा, तो ये एक प्रोज एंड कॉन्स का वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट का मैं बात करूंगा वो है इसका लुक्स। तो दोस्तों 150cc जो सेगमेंट है, रेसिंग सेगमेंट और उसके ऊपर भी जो सेगमेंट है, उसमें इस तरह का जो लुक्स यामा ने दिया है कम्प्लीटली, जो R1 जो 1000cc का जो R1 आता है उससे इसका लुक्स काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है, वहाँ से ये अपना जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो वहाँ से लेता है। तो ये इस तरह के लुक्स आपको किसी भी और बाइक में या फिर किसी भी और सेगमेंट में, मेरा मतलब है कि अप टू 300cc या फिर 350cc सेगमेंट में आपको अभी तक मार्केट में देखने को नहीं मिले। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आपको एक अलग सा रोड प्रेजेंस दे देता है। नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। तो अभी इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर आता है, VVA इंडिकेटर आता है और ट्रिप F या फिर आप कह लीजिए कि इसका जो आप अपना नाम सेव कर सकते हैं, हाई बॉडी से आता है तो आप अपना अलग से नाम सेट कर सकते हैं, फ्यूल कंजम्पशन और टैकोमीटर, एक बड़ा सा स्पीडोमीटर, फ्यूल लेवल, तो बहुत कुछ एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एक बड़ा सा डिस्प्ले के साथ यहाँ पे आता है, कंप्लीट LCD डिस्प्ले है। तो ये एक अगेन एक बड़ा सा एडवांटेज है जो कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ये दे देगा। दोस्तों अगर थर्ड इसका मेजर पॉइंट में आए तो वो है इसका इंजन का रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो दोस्तों एकदम पहले जो यामा R15 वर्जन 1 आता था उससे लेकर आज तक यामा में कोई भी इंजन का इशू नहीं आया है एंड R15 हमेशा से एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट रेसिंग एंड परफॉर्मेंस। तो इससे आप दोस्तों इसमें आप 150 से लेकर 155 किलोमीटर्स तक इसको भगा सकते हैं एंड 150cc सेगमेंट में 150 किलोमीटर्स एंड 155 किलोमीटर्स टॉप स्पीड होना एक बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही उम्दा किस्म का एक इसमें स्पीड आता है जो कि अगेन इस बाइक को अपने सेगमेंट में बेस्ट बना देता है एंड एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में इस बाइक का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं रहता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फीचर्स। अब दोस्तों आते हैं हम इसका माइलेज में। तो अभी इस वर्जन 3 में पावर अराउंड 2 BHP बढ़ गया है एंड इसमें VVA एंड स्लिपर क्लच को इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर भी इसका जो माइलेज है वो आपको पहले के जो वर्जन 2 है उसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। अभी इसमें 40 से लेकर 45 किलोमीटर्स पर लीटर अगर आप नॉर्मल तरीके से राइड करें तो आपको माइलेज मिल सकता है, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा मिला है। आप शायद कमेंट में कह सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को अगर आप माइलेज टेस्ट भी देखें यूट्यूब में, काफ़ी सारे लोगों को इस तरह का माइलेज मिल रहा है। तो पावर बढ़ने के बावजूद भी इसमें जो माइलेज है उसका कोई भी असर नहीं पड़ा है और उससे ऊपर ये बढ़ गया है, तो ये अगेन एक बहुत ही अच्छा बात है। अगर हम फोर्थ पॉइंट में आए तो ये है इसका फीचर्स। तो दोस्तों कंप्लीट LED हेडलैम्प्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, डेल्टा बॉक्स फ्रेम, LED बैक लैम्प्स एंड फैटेड टायर्स, बैक टायर अब पहले से चौड़ा हो गया है, इस तरह के फीचर्स के साथ साथ ये बाइक आता है जो कि अगेन इस बाइक को एक फीचर लोडेड बाइक बना देता है। फिफ्थ पॉइंट जो हम आते हैं वो है इसका हार्डवेयर। अभी इसमें स्लिपर क्लच एंड VVA का इंट्रोड्यूस किया गया है। स्लिपर क्लच से आप जब क्विक डाउनशिफ्ट करते हैं तो आपको व्हील लॉक का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एंड इसमें VVA यानी कि एक्स्ट्रा वाल्व दिया गया है जो कि 7250 RPM के बाद आपका जो एक्स्ट्रा जो वाल्व है उसे ओपन कर देता है, जिससे कि इस बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाए। तो ये था दोस्तों इसका कुछ प्रोज एंड अगर इसका कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले मैं जो कॉन के बारे में बात करूंगा वो है इसका सीट हाइट एंड सीटिंग पोजीशन जो है वो इसका इसमें आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल मिलने वाला है अगर आप लॉन्ग राइड्स में चले तो, और जिनका हाइट बहुत ही कम है उनके लिए ये जो बाइक है ये अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो दोस्तों आप अगर इस बाइक को ख़रीदना चाहते तो ज़रूर एक बार इसका एक टेस्ट राइड ले लें एंड आप देख लें कि आपको जो इसका जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको बाइक कंफर्टेबल हो रहा है या फिर नहीं। बेसिकली ये एक सुपर स्पोर्ट मशीन है
एंट्री लेवल सेगमेंट में, तो आप ज़रूर एक बार इसको देख लें, क्योंकि इसमें झुक के बैठना पड़ता है तो आपको रिस्ट पेन एंड बैक पेन इसमें आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों इसका डाउनसाइड है जो उसका अगर बात करें, तो इसमें अभी तक बल्ब टाइप के इंडिकेटर्स दिया गया है। तो बल्ब टाइप के इंडिकेटर्स इस ये बाइक का जो जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में मेरे को लगा है कि अगर एलईडी इंडिकेटर्स दे दिया होता तो अगेन इस बाइक के तरफ यामा का एक बहुत ही अच्छा जस्टिस होता है, कोई भी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे नज़र नहीं आता। अभी तक जो FZ वर्शन 2 या फिर जो FZ25 एंड फेजर में जो सब आता है वही सेम बल्ब टाइप के कन्वेंशनल इंडिकेटर्स इसमें दिया गया है, तो मेरे ख्याल से अगर एलईडी होता तो बेहतर होता। और अगर थर्ड डिसएडवांटेज में आए तो इसमें वीक हेडलैम्प्स आता है, क्योंकि इसका जो कंप्लीट एलईडी यूनिट होने के बावजूद भी रोड जो इल्यूमिनेशन है वो और भी बेटर हो सकता था ऐसा मुझे लगता है, एंड काफ़ी सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है। तो दोस्तों यही था इसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स का वीडियो। एंड दोस्तों एक न्यूज़ मैं आपको दूंगा कि इसका जो डुअल चैनल ABS वर्शन है वो लॉन्च हो गया है, एंड जल्दी से मैं उसका वीडियो लाने वाला हूँ। तो वो अराउंड 12,000 रुपीज़ इससे ज़्यादा है, तो जल्दी उसका वीडियो आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।